वो पागला है, चल ठीक है सर, आया मैं 2 दिन में, चल ठीक है ठीक है, चल आया फिर 2 दिन में आ रहा मैं, चल ठीक है फिर, ठीक है चल आया, बिस्मिल्लाह रहमान सुभान अल्लाह जी सखतम रब्बिल आलमीन कालिमून। अभी बस घर से निकल रहा हूँ, अभी तो लेट हो गया हूँ थोड़ा, यहाँ से घर में लाई थी बाइक, और रात को मैंने एक माउंट लगाया था इसको यहाँ पे इस जगह पे, ये दिख रहा होगा आपको, तो अभी यहाँ से सीधा निकलेंगे हम पत्नीटॉप की ओर, अभी तक तो अकेला हूँ। तो गाइस अभी हमारा पहला ब्रेक होगा पेट्रोल पंप पे, तो पहले सबसे पहले इसकी टैंकी फुल करवानी है, तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से, तो अब यहाँ आगे जाके हम करवाते हैं इसकी टैंकी फुल। तो अभी यहाँ से इसकी टंकी फुल कराई और 1400 की हुई इसकी टंकी फुल, तो आज इसको मैंने माउंट नया लगाया है, तो इसका माउंट ऑर्डर किया था, तो उसके बाद मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, तो आज इस माउंट से व्लॉग कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा शूट हो रहा होगा, जैसा भी हो रहा होगा तो मुझे तो ठीक लग रहा है अभी तक, ये तो ठीक है, ये लंबा है ना, अगर दूर का जैसे मैं गर्दन घुमाता हूँ दूर का शूट हो जाता है, तो आप भी इंजॉय करो राइड को और मैं भी इंजॉय करता हूँ, घर से निकलते ही लेट हो गया था थोड़ा मैं। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं कुछ ऐसी जगह पे, वो देखो लड़के पीछे देख रहे थे, तो ये देखो पहाड़ यहाँ के, अभी पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया है, ये पहाड़ तो कुछ नहीं है अभी, अभी उधमपुर मैंने क्रॉस भी नहीं किया, उधमपुर होगा यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर, उधमपुर क्रॉस करके फिर बड़े बड़े पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी उधमपुर से पहले रुकूंगा नहीं मैं, उधमपुर से आगे रुकूंगा, अभी टाइम कम से कम मुझे लगता है 2 बज गए होंगे, 1 बजे के करीब निकला था घर से मैं, 2 बज गए होंगे इस वक्त, वो पागला है, ऊपर आ गया था। तो अभी हम उधमपुर में पहुंच चुके हैं, अभी मैं यहाँ से निकलूंगा हाईवे में, तो सिटी के बीच से अवॉइड करूंगा जाने के लिए, क्योंकि जाम बड़ा ज़्यादा रहता है सिटी में, तो यहाँ से जाऊंगा ऊपर। तो अभी हाईवे में हम निकल चुके हैं, वो देखो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, मुझे लगता नहीं बर्फ़ पड़ी होगी वहाँ पे, क्या पता थोड़ी बहुत पड़ी हो, चलो देखते हैं। अभी अभी मैं कैमरा लगाऊंगा यहाँ पे, तो अब यहाँ से आगे जो भी फुटेज देखोगे और वो जो यहाँ से देखोगे। तो गाइस अभी आपने फुटेज देखी होगी आगे से, जो आगे माउंट लगाया है यहाँ से शूट किया भी मैंने, तो अभी हम उधमपुर क्रॉस कर लिया हमने, तो अभी हम जा रहे हैं पत्नीटॉप की ओर, ऊपर चढ़ दूँ मेरे इतनी जगह उस साइड, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी उधमपुर से निकला हूँ, तो अभी जा रहा हूँ पत्नीटॉप की ओर, अभी देखते हैं, अभी पहुंचे हैं कुछ ऐसी जगह पे, ये देखो ऊपर कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, कमरा ले लूँ एक पहले जाके, उसके बाद सब बाद में सब कुछ देखा जाएगा, पहले एक कमरा ले लूँ रात रात को रुकने के लिए। हाँ निकलता हूँ इससे आगे।
तो गाइस मैं यहाँ पे रुका था सरमौली में, तो यहाँ पे अभी मैंने चाय पी, नमकीन चाय, सबल चाय। अगर कभी भी आप यहाँ पे आओगे श्रीनगर साइड या पत्नीटॉप आओगे तो यहाँ सरमौली में रुक के एक बार सबल चाय ज़रूर पी लेना, नमकीन चाय। तो अभी मैं खा के पी के अभी बस निकला हूँ। हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये रोड सीधा जा रहा है टनल की ओर, तो हम यहाँ से राइट ले लेंगे जो टनल की ओर सीधा निकलेगा, ये जाके रामबन के पास में, तो हम यहाँ से लेंगे राइट। तो ये जाता है पत्नीटॉप को रास्ता। तो गाइस अभी मैं पत्नीटॉप पहुँच गया हूँ, अभी बस कुछ मीटर बाकी है पत्नीटॉप पहुँचने में, जो मेन स्टॉप है पत्नीटॉप का। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल जैसे बर्फ होती है ना फ्रिज में, ऐसे हो गए ठंडे मेरे हाथ। तो बस अभी पत्नीटॉप पहुंच गया हूँ, यहाँ से है कोई 15-20 किलोमीटर नत्था टॉप जाऊँगा, तो वहाँ पे है होटल, वहाँ पे लूँगा होटल, सोचा है। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, कहीं यहीं पे लेंगे होटल वगैरह। तो ये पत्नीटॉप है, ये पत्नीटॉप का मेन स्टॉप है ये। तो ये जो सीधा चला गया ये गया डोडा किश्तवाड़ के लिए, और लेफ्ट के लिए ये गया नत्था टॉप के लिए। नहीं, तो ये वो पूछ रहे थे होटल के लिए मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आगे जाके लूंगा। ये देखिए गाइस अभी मैं कहाँ पहुंचा हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ऊपर, ये देखो पीछे। बैटरी लो है मगर पता नहीं कब बंद हो जाएगा ये। वो नीचे जो नीचे ना वो घर दिख रहा है, वो नीचे, ये ऊपर नत्था टॉप है, ये जो कर दिख रहे हैं 2-3, ये नत्था टॉप है, यहाँ टावर दिख रहे हैं 2-3-4। तो बस अभी निकलता हूँ यहाँ से मैं, तो अभी जाऊँगा सीधा मैं सनासर। तो बस ये पड़ी है थोड़ी सी बर्फ, वो देखो सामने आगे, आपको दिखाता हूँ और सामने, ये पड़ी है थोड़ी थोड़ी बर्फ यहाँ पे, और क्या है यहाँ इसके पास बर्फ के कहीं, मगर बैटरी लो हो गई है मेरे कैमरे की। ये तो मैं यार ही भूल गया था, जहाँ बर्फ पड़ी आराम से चलना चाहिए। ये देखो ये बर्फ नहीं है, मुझे लगता है ये कोहरा पड़ता है ना, वो है ये। और देखो कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं कब कैमरा बंद हो जाएगा, जहां तक शूट होगी वीडियो वहां तक करूंगा शूट में। ये देखो कितने बच्चे आए हुए हैं, ये देखो ये देखो, फोटो खींच लेता हूँ, घर पे भेज दूंगा घर वालों को, यहाँ खड़ा होता ना साइड पे कहीं। ये देखो जमा हुआ है, ये देखो